अब हमारे पास एग्जाम्पल है द पैरामीटर ऑफ शीट ऑफ टीन इन द शेप ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 12.5 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर दिया हुआ है टीन शीट का। फाइंड द डायमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं क्वाड्रेंट की। ये इस तरीके से है मेरा, ये मेरे पास इस तरह से आ गया, ये रेडियस आर हो गया है, यहां पर ये क्वाड्रेंट के हिसाब से 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरामीटर में अब आपका एक तो ये पार्ट इंक्लूड होगा और ये आपकी दोनों रेडियस यूज होंगी। तो गिवन आपको क्या है, पैरामीटर दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। कितना है, 12.5 सेंटीमीटर, ये आपको पैरामीटर दिया हुआ है। और पैरामीटर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, इसका जो पैरामीटर होगा पी वो होगा आपका पाई, 2πr होता है आपका, ठीक है, और उसका फोर्थ पार्ट, क्योंकि ये है आपका क्वाड्रेंट तो उसका फोर्थ पार्ट, प्लस दो रेडियस आपके ऐड होने वाली है, आपने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या आएगा, पैरामीटर की जगह आएगा पाई आर अपॉन टू प्लस टू आर इक्वल टू कितना है ये 12.5। आर कॉमन हुआ, पाई बाई टू प्लस टू रहा 12.5। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां से अब आपको पाई की वैल्यू रखनी है और आर का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो क्या रखते हैं, आर एज इट इज 22/7 इंटू टू, ये आपका यहाँ 2 है, ये मैंने रख लिया है, प्लस ये आपका 2, आप इससे इसको कैंसिल कीजिए, ये आया आपका 11 इक्वल टू है 12.5। अब आप ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे 7 तो क्या बनने वाला है, 11+14 इक्वल टू 12.5। यहीं से आप जब आर निकालना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे आप, 12.5 इंटू 7 और नीचे कितना आने वाला है, ये आएगा आपका 25। जब आप इससे कैंसिल करेंगे इसको 0.5, यहां से आप आर निकालेंगे तो ये आएगा आपका, इससे मल्टीप्लाई करके 3.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्टूडेंट्स की जो डायमीटर होगा डी वो 2r हो जाएगा और वो हो गया 7 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास ये क्या आया है, क्वाड्रेंट जो आपको दिया हुआ था उसके पैरामीटर से मैंने सिंप्लीफाई किया, पहले रेडियस निकाली उसका ट्वाइस करके मैंने डायमीटर बनाया, अब उसने कहा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 22/7। आर स्क्वायर कीजिएगा तो आप ये 7/2 मान लीजिए, क्योंकि डायमीटर 7 है तो 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू, अभी मेरे पास ये आपका जो 4 बचा हुआ था ये मैंने 1/4 लिया, इसमें से 7/7 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके 11 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आया आपका 77/8, ये आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पार्ट मेरा क्लियर हुआ, 77/8। डेसिमल में करना चाहोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6, कितना आएगा 9.6 सेंटीमीटर, ये मेरा एरिया आ गया। डेसिमल में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इसमें ए बी सी पी, आप ध्यान दीजिए ए बी सी पी, ये एक आपका क्या दिया है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एसी डायमीटर कंसीडर करते हुए एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है, ये एसी डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है ए क्यू सी ए। ठीक है, आपसे कहा गया शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब आप ये पाइथागोरस से, ये दोनों आपका परपेंडिकुलर बेस का काम करेंगे, तो जब एसी निकालोगे पाइथागोरस से तो लिखोगे 14² + 14² इक्वल टू 14√2, कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये 14√2, ये मेरे पास क्या आ गया यहां पर 14√2 आ गया मेरे पास में यहां पर डायमीटर, कौन सा एसी आ गया है। ठीक है, तो जब मैं रेडियस लिखूंगा इसकी, रेडियस आर कितनी हो जाएगी इसकी, 14√2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये 7√2 आपकी रेडियस बनी, किसकी रेडियस बनी, एसी वाला जो आप डायमीटर लेकर के ये जो सेमी सर्कल बना रहे थे उसकी बनी। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ध्यान से सुनिएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, पार्ट लिख दीजिए, पोर्शन लिख दीजिए, ये कैसे निकलने वाला है ध्यान से सुनिएगा, मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ये प्लस ये सेमी सर्कल ले लेता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो यहां देखना, एरिया ट्राइंगल कौन सा स्टूडेंट्स, ए बी सी, प्लस इसके साथ में ले जा रहा हूं ये वाला, एरिया
सेमी सर्कल, ठीक है, कौन सा सेमी सर्कल है, ए सी क्यू ए, ए सी क्यू ए, ये वाला सेमी सर्कल, और इसमें से माइनस कौन सा होना है, क्वाड्रेंट माइनस होना है, कौन सा, एरिया क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेंट बैठेगा आपका ए बी सी पी ए, ए बी सी पी ए, ये आपका जो क्वाड्रेंट है ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है, क्या करना है, ये मेरे को माइनस करना है। अब यहां ध्यान से देखते जाइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 14 दोनों यूज कर लिए मैंने, फिर इसके बाद प्लस, अब आपका एरिया कौन सा है स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा एरिया है हमारा सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल का एरिया होगा ये होगा 1/2 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, इसकी रेडियस जो है वो है 7√2, तो क्या लिखोगे 7√2 इंटू 7√2, और लास्ट में है माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर यहां पर 14, क्योंकि जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस क्या है 14, तो ये लिया मैंने 14 स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, इसको कैलकुलेट करना है बस मेरे को, यहां से इसको कैंसिल कीजिए 7 टाइम, ये आया 98, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइएगा प्लस, यहां से आप 7 से 7 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और ध्यान दीजिएगा अगर आप ये देखेंगे ये 2√2 × √2 करके कैंसिल करेगा, इसे मैं चाहूं तो यहां पे 11 लिख लेता हूं, 11 × 7 × 2 लिख लेते हैं हम इसको, क्या लिख लेते हैं इसको 2 लिख लेते हैं। अब माइनस आ जाइएगा, ये आपका 2 आया, ये आपका 11 आया, तो क्या मिलेगा 11 × 14 × 14 अपॉन क्या रहा 2 × 7, 7 से 2 टाइम गया, 2 से ये भी आपका कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 98 प्लस ये आपके पास हुआ 11 × 14 माइनस 11 × 14, तो ये 11 × 14 आपके सब्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये प्लस माइनस थे कैंसिल हो गए, बचा क्या स्टूडेंट्स 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया जो आया है ये इस वाले पार्ट का आया है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ध्यान से करना है।